हाय गाइस, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो गाइस, ये एक क्रेटा गाड़ी है और इसमें जो स्मोक सैनिटाइजर है, स्मोक सैनिटाइजर होने जा रहा है इस गाड़ी में। तो एक्चुअली गाड़ी का स्मोक सैनिटाइजर जो है वो करने के लिए आपको पहले गाड़ी का जो एसी है, एसी को ऑन करना चाहिए और गाड़ी को स्टार्ट रख देना चाहिए। और इसका जो मोड है, ब्लोअर मोड आपको रिसर्कुलेशन मोड में रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो स्मोक करने के लिए जो मशीन है हमारा, वो मशीन इसमें लगाना है, तो आइए दिखाते हैं। तो गाइस, ये है स्मोक करने का जो मशीन है, ये आज लगाएंगे इसमें। तो ओके, अब इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन लगा रहे हैं हम इसमें। तो ये जो डायरेक्ट एसी है, एसी करंट जो है 220, ये लगा रहे हैं। और ये जो है रिमोट इसका ऑपरेटिंग करने का, इसमें ये क्या है, ये सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर होता है। और इसमें सैनिटाइजर लिक्विड फॉर्म में है, ये वेपराइज फॉर्म में इस मशीन के थ्रू बाहर आएगा। तो आप शुरू करते हैं, इसका रिमोट जो है रिमोट ऑन करते हैं। और इसका एसी लाइन जो है, एसी लाइन देखिए ऑन हो गया। अब दीजिए ऑन कीजिए। ये एसी चल रहा था गाड़ी में, इसलिए ये सर्कुलेट होना चालू हो गया। अब दरवाज़ा को हम लॉक कर देते हैं। ओके, अब इस तरह से कितना टाइम तक ये छोड़ना चाहिए? ये 5 मिनट रखना चाहिए हमें, 5 मिनट रखना चाहिए। तो ये कर रहा है, ये 3M का हमारा स्पेशलिस्ट है, तो यही स्मोक सैनिटाइजर करता है यहाँ पे। तो इस तरह से 5 मिनट इसको रखना है। देखिए स्मोक बाहर आ रहा है यहाँ से। पूरा गाड़ी देखिए स्मोक घूम रहा है यहाँ से, अगर देखेंगे तो देख पाएंगे, इसमें सर्कुलेट हो रहा है। कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए ये रियर पोर्शन है गाड़ी का, तो हमारा स्मोक सैनिटाइजर हो गया। अब देखिए ये हो जाने के बाद आपको ये जो एसी है गाड़ी का, एसी ऑफ करना चाहिए। अभी भी निकल रहा है। अब इसका स्टार्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।